ओके लेट्स स्टार्ट। तो देखिए लास्ट टाइम आई मीन यस्टरडे हम गुडविल के रिगार्डिंग बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल। एक हमने जनरल वे में गुडविल का जो मीनिंग है वो हमने डिस्कस किया था और एक पार्टनरशिप के वे में हमने डिस्कस किया था। इज इट क्लियर? फिर हमने बात कही थी कि एक बिजनेस के अंदर जो एक न्यू पार्टनर गुडविल कंट्रीब्यूट करता है तो कितनी सिचुएशन हो सकती है, कितनी सिचुएशन हो सकती है जिसमें एक न्यू पार्टनर गुडविल कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कितनी सिचुएशन है, रिप्लाई मी फास्ट, कितनी सिचुएशन है न्यू पार्टनर के थ्रू गुडविल कंट्रीब्यूट करने की, कितने सिचुएशन है न्यू पार्टनर के थ्रू गुडविल कंट्रीब्यूट करने की। फोर, वेरी गुड। और अकाउंटिंग कंडीशन कितनी है, सिचुएशन फोर है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हाउ मेनी अकाउंटिंग कंडीशन ऑफ गुडविल। जब अकाउंटिंग करेंगे तब कितने कंडीशन को हमें माइंड में रखना पड़ता है। देयर आर फोर सिचुएशन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बट आई वांट टू नो कंडीशन ऑफ काउंटिंग ऑफ गुडविल। तो आपको नो एक्सेप्ट टू रिमाइंड कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी ध्यान देना, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये काफी मोस्ट है। तो देखिए मैंने टू कॉलम मेंटेन किए थे। फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या मेंशन किया था, गुडविल अकाउंट नॉट एग्जिस्ट, आई मीन नॉट ओपन, एंड सेकंड में कहता है गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट, आई मीन ओपन। हिंदी में कहें ख्याति खाता नहीं खुला हुआ हो और ख्याति मतलब खुला हुआ हो, ये दो अकाउंटिंग कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसमें हमें उन फोर सिचुएशन को ट्रीट करना है, कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है। इज दिस क्लियर? तो अकाउंटिंग की कितनी कंडीशंस हैं, टू, और गुडविल की जो सिचुएशंस हैं वो कितनी हैं, गुडविल की जो सिचुएशंस हैं अकाउंटिंग की वो है टू। ओके, अब हम उसको डिस्कस करते हैं प्रॉपर वे में। सबसे हमने बात की थी सबसे पहले प्राइवेट और हमने बात की थी कि प्राइवेटली में कोई एंट्री पास नहीं होती है क्योंकि हम बिजनेस को अमाउंट नहीं देते हैं। गुडविल का अमाउंट हम किसको देते हैं, गुडविल का अमाउंट हम किसको, हम फर्म को नहीं देते हैं, गुडविल का अमाउंट देते हैं पार्टनर को पर्सनली, पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू। इसका मतलब बिजनेस के पास कोई अमाउंट नहीं आया, उससे कोई डील नहीं हुई है, इसलिए कभी भी प्राइवेटली गुडविल कंट्रीब्यूट करने के केस में नो एंट्री विल बी पास्ड, कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो फिर सेकंड कंडीशन क्या है, इसका तो मैंने आपको दिया नो एंट्री। सेकंड की बात करूं एज इन कैश, और इसको हम कल डिस्कस कर रहे थे, ट्रेवल टाइम आउट हो गया। न्यू पार्टनर को हमने कहा कि भैया अदर देन कैपिटल आप कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट कराओ फॉर योर फ्यूचर प्रॉफिट, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहेंगे गुडविल, और उसने क्या किया, कैश भी दे दिया। तो जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट इन कैश इंट्रोड्यूस करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो कौन सी एंट्री होती है उसकी हम बात करेंगे। टोटल थ्री हो सकती है, होगी नहीं बोल रहा हूं, हो सकती है मे बी और नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी। तो क्या है, हम देखिए सबसे पहले वो कैश में हमें दे रहा है गुडविल, तो वो दे रहा है, फर्म क्या कर रही है, लेगी ना, वो गुडविल का अमाउंट देगा तो हम उससे लेंगे। इसका मतलब सेकंड कंडीशन में हम फर्स्ट एंट्री जो करेंगे सिचुएशन में वो कह रही हूँ फोर रिसीव, हम गुडविल रिसीव की बात करेंगे।
तो बिजनेस के पास क्या आएगा, बिजनेस के पास क्या आएगा, तो बिजनेस के पास आएगा, बिजनेस के पास कैश आएगा, और कैश आएगा तो उसको डीआर करेंगे। और मैंने कहा था टू में गुडविल आएगा, एक्सप्लेन नहीं कर सका था, टाइम कंप्लीट हो गया, बट कैन यू एक्सप्लेन व्हाई वी क्रेडिट टू गुडविल, गुडविल को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्या आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो, गुडविल को क्रेडिट क्यों किया है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या आप में से कोई इस चीज का रिप्लाई कर सकता है कि सर ये रीजन है जिसकी वजह से हमने गुडविल को क्रेडिट किया है, जबकि हम रूल्स जानते हैं। रूल्स क्या था, एसेट्स लायबिलिटीज, एसेट्स प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है, प्लस होगी एसेट्स तो ऑलवेज डेबिट करना है, माइनस होगी तो ऑलवेज क्रेडिट करना है, लायबिलिटीज प्लस होगी तो क्रेडिट करना है, माइनस होगी तो डेबिट करना है, ये यूनिवर्सल रूल ऑफ अकाउंटिंग है। और हम किसी भी रूल रूल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी रूल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम किसी भी रूल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो जब वो गुडविल क्या पेन अमाउंट ला रहा है तो कैश तो आ रहा है, तो गुडविल तो आ ही रही है ना, एक तरह से तो आ रही है, तो सीआर क्यों हुई, क्या कोई पूछ सकता है अभिषेक, कोई भी, यस और नो, यस और नो, कंप्लीट स्पेलिंग नहीं, वाई और एन लिख दिया, तो मैं समझ जाऊं, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि गुडविल क्रेडिट क्यों हुई है, जबकि एसेट्स का रूल होता है कि जब अप होती है तो डेबिट होती है और डाउन होती है तो क्रेडिट होती है, ये एसेट्स का रूल है और गुडविल एसेट्स है, और गुडविल एसेट्स है। तो देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से क्या हमें करना है, किस तरह से हमें क्या करना है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए रूल समझिए, आसान है, इजी है, हम लोग सीधे नहीं, एंट्री को हम रटने बैठ के रटना नहीं है, हमें तो समझना है, हर चीज के पीछे रीजन जानना है, रीजन जानोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको रीजन बताता हूँ, कल मैंने एग्जांपल दिया था और उस एग्जांपल में मैंने टोटल गुडविल कितनी बताई थी, 1 करोड़ की बताई थी, और ये गुडविल मैंने किस किस की बताई थी, ये मैंने अभिषेक और प्रीत की बताई थी। न्यू पार्टनर कौन था, कल के केस में न्यू पार्टनर था कुणाल, कल के केस में न्यू पार्टनर कौन था, कुणाल, कुणाल था। अब ये गुडविल जो है क्या अभी कुणाल के पास है, अभी कुणाल के पास है नहीं है, क्यों, उस बिजनेस की गुडविल कुणाल के पास कैसे हो सकती है, कुणाल तो था ही नहीं, उसने कोई एफर्ट नहीं किया। अब फर्म उसको ये कह दिया कि भाई तीनों का होगा तो 40 40 और 40 होता, तीनों का होता तो 40 40 40 होता, ठीक है, तो हमने तो कुछ बनाई है तो हमारा तो करेक्ट है, आप भी 40 दो तो कहां से लाएगा, उसके पास तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि उसको उसको ये गुडविल पहले बिजनेस से परचेज करनी पड़ेगी, भाई मेरे पास तो नहीं है गुडविल, क्योंकि मैं आपके पास था ही नहीं, मैंने कोई एफर्ट भी नहीं किया, तो आप मुझे एक बार सेल कर दो, आप मुझे दे दो, उसके लिए मैं आपको क्या दूंगा, आपको पैसा दूंगा, यही पे कंसेप्ट है, उसके पास पर्सनली उस फर्म की गुडविल नहीं हो सकती क्योंकि वो था ही नहीं, वो तो अब एडमिट हो रहा है, तो वो क्या कहेगा, ठीक है आपके पास तो है 120, मैं भी होता तो मेरा कितना शेयर होता, 40 होता ना, आप मुझे शेयर कर दो, मैं आपको दे दूंगा, इस तरह से आपको गुडविल का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस क्या करेगा, उसको सेल करेगा, किसे देगा, न्यू पार्टनर को, आई मीन कुणाल को देगा। अब बताओ कोई भी एसेट्स को सेल करते हैं एंट्री क्या होती है,
किसी भी एसेट्स को सेल करते हैं एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट या टू पर्टिकुलर एसेट्स, ये तो अभी ना यहाँ कौन से एसेट्स हम सेल कर रहे हैं, गुडविल। तो जो पैसा ला रहा है गुडविल सेल किया तभी तो ला रहा है, सेल करके गुडविल हमने किसको दे दी, न्यू पार्टनर को दे दी। इसका मतलब अब नए पार्टनर के पास भी गुडविल है, कितने रुपीज की है, 40,000 की। क्या वो उसको घर लेके जाएगा, उसको घर लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि वो पार्टनर ही इसीलिए बन रहा है क्योंकि उसको बिजनेस में ओनर भी बनना है, ऐसे उसमें सेल भी चाहिए और फ्यूचर के प्रॉफिट में भी उसको शेयर चाहिए। और फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्यूचर के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए हमेशा गुडविल भी लानी पड़ती है। तो गुडविल अमाउंट उसके पास आ गया, यदि हम इस एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो 40,000 करेंगे। तो रीजन क्या रहा गुडविल को क्रिएट करने का, क्योंकि फर्म के पास तो गुडविल थी, आई मीन अभिषेक और प्रीत के पास तो थी, टोटल 120 थी, कुणाल के पास नहीं थी, तो लाएगा कहां से, तो वो हमें पैसे देगा और उस जो गुडविल ला रहा है वो कैश में ला रहा है, तो ला क्यों रहा है, कि हम उसको दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं इसलिए वो ला रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए क्या ये बात आपके समझ में आ गई है। अभी आगे की एंट्री में एक्सप्लेन करूंगा, आगे की एंट्री में एक्सप्लेन करूंगा, क्या ये बात आपके समझ में आ गई है। वेरी गुड वेरी गुड, फिर से एक बार फिर से देखो, रिप्लाई करना, क्या क्या कुणाल के पास गुडविल थी जो कि न्यू पार्टनर बनना चाह रहा है, नहीं थी, गुडविल तो फर्म के पास थी और वो न्यू पार्टनर बन रहा है, वो न्यू पार्टनर बन रहा है तो गुडविल के बिना उसको बनाएंगे नहीं, तो किससे परचेस करेगा, फर्म से परचेस करेगा, तो फर्म के पास क्या आएगा, फर्म के पास कैश आएगा और गुडविल एक बार चली जाएगी, लेकिन इस गुडविल को कुणाल आई मीन न्यू पार्टनर लेके नहीं जाएगा क्योंकि वो तो फर्म को देनी है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, फॉर ट्रांसफर, 12वीं जल्दी क्या लिख लीजिए, फॉर ट्रांसफर। अब जो गुडविल मिल जाती है, जब किसको गुडविल मिल चुकी है, नए पार्टनर के पास गुडविल आ चुकी है, तो ये गुडविल अब फर्म में ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो जब गुडविल है लानी तो पड़ेगी ना, तो जब उसके पास आ चुकी है तो ट्रांसफर कर देगा। अब एक ट्रांसफर का भी यूनिवर्सल रूल है, जिस किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो करना क्या है कि ट्रांसफर करने से पहले यदि डेबिट हुआ है तो क्रेडिट होगा, ट्रांसफर करने से पहले यदि डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा और ट्रांसफर करने से पहले एक्चुअल एंट्री में वो क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। तो मैं तो गुडविल को ट्रांसफर कर रहा हूँ और ट्रांसफर करने से पहले गुडविल क्या है, क्रेडिट है, तो ट्रांसफर करूंगा तो गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल डेबिट हो जाएगी, गुडविल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, यानी गुडविल वापस किसके पास आ गई है, फर्म के पास गुडविल आ चुकी है, क्योंकि अब कुणाल के पास न्यू पार्टनर के पास गुडविल थी, परचेस कर ली थी, तो अब वह गुडविल वापस किसको देनी पड़ेगी, बिजनेस को देनी पड़ेगी। लेकिन इस गुडविल पर किसका राइट है, जिन्होंने इसको बनाया है, तो ये गुडविल ऑलवेज किसमें हम ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ये जो गुडविल का अमाउंट आएगा वो ऑलवेज किसको हम ट्रांसफर करेंगे, ऑलवेज ओल्ड पार्टनर को ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये जो गुडविल क्रिएट की थी, ओल्ड पार्टनर मींस अभिषेक एंड प्रीत, इन्होंने तो बनाई है, जब एफर्ट इन्होंने किया है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को, क्योंकि 40, 40 और 40 ये तीन हो रहा है, लेकिन उन दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया था एक्चुअली, 60 और 60, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है जो इसको दे रहे हैं वो पैसा भी किसको मिलेगा, वो पैसा मिलेगा हमेशा ओल्ड पार्टनर को। याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हो, गुडविल को ऑलवेज ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशो में ही ट्रांसफर किया जाता है। आई रिपीट, गुडविल को ऑलवेज ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशो में ही ट्रांसफर किया जाता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर,
गुडविल को ऑलवेज सेक्रीफाइस रेशियो में ही ट्रांसफर किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? रिप्लाई कीजिए। फिर से बोलता हूँ, गुडविल को ऑलवेज ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में ही ट्रांसफर किया जाता है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्या समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, ये दो एंट्री होगी। मैंने कहा था कि थ्री एंट्री हो सकती है। कितनी हो सकती है? थ्री हो सकती है, मे बी और नॉट, मैंने ये वर्ड यूज किया था। तो टू तो ऑलवेज होगी, जब भी कैश में गुडविल आएगा टू तो होगी। पहले गुडविल के पैसे रिसीव कर लो, गुडविल उसको दे दो, फिर हम कहेंगे भैया गुडविल हो गया आपका, भैया अब आपके पास गुडविल हो गया, तो पार्टनर बनना लाओ, अब गुडविल दो, और गुडविल वापस फर्म के पास आ जाएगी, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करेंगे तो पैसा किसके अकाउंट में जाएगा? वो जिसने बनाई थी गुडविल, किसने बनाई थी? ओल्ड पार्टनर ने बनाई थी, एफर्ट उन्होंने किया था, तो एफर्ट का जो एडवांटेज है वो किसको मिलना चाहिए था? उन्हीं को मिलना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है सी एंट्री, थर्ड एंट्री। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो नंबर थ्री पे जो एंट्री हो रही है वो ओनली उसी केस में होगी जब किसी ने क्लियरली कहा गया हो, अदरवाइज नहीं होगी। ये दो तो ऑलवेज होगी जब कैश में गुडविल बुला रहा है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन होगी कि हमें थर्ड एंट्री पास करनी है? क्या वैसे आते हैं बाकी सबके पास वॉइस आ रही है? यदि नेटवर्क का कहीं किसी के पास प्रॉब्लम रहेगी तो वॉइस थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होगी, थोड़ी प्रॉब्लम करेगी। एक बार सभी बता दीजिए, वॉइस आ रही सबके पास? क्या वॉइस सभी को प्रॉपर वे में सुनाई दे रही है? फास्ट रिप्लाई। ओके, तो देखिए मैंने कहा था कौन सी कंडीशन है कि उसकी एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन में क्या होगा? फॉर गुडविल विड्रॉ, क्वेश्चन में कहा जाता है कि ओल्ड पार्टनर को जो गुडविल का अमाउंट मिला था वो हमने कहा ट्रांसफर किया? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब ओल्ड पार्टनर ये चाहे कि नहीं, ये अमाउंट तो हम अपने कैपिटल में नहीं रखेंगे, इसको तो कैश में निकाल लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी क्वेश्चन में है कि अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाई ओल्ड पार्टनर, कि गुडविल का जो अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आ रहा है उसको ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉल कर लिया है, निकाल लिया है, ये लाइन मिलेगी तो थर्ड एंट्री करेंगे। और विड्रॉल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, विड्रॉल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस केस में हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री करेंगे, थर्ड एंट्री नहीं करेंगे। अब विड्रॉल की एंट्री करेंगे तो उससे क्या होगा? अभी मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, इस ट्रांजेक्शन में कैपिटल सीआर हुई किस रूल की वजह से हुई? किस रूल की वजह से कैपिटल सीआर हुई? कैन यू टेल मी? कोई ना कोई रूल तो होता है, विदाउट रूल हम कुछ नहीं कर सकते, हम रूल के ऊपर ही चलते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ही हम बात करते हैं। किस रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल सीआर हुई तो बता देता हूँ। अभी लिखा था एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज है ना। कैपिटल क्या है? लायबिलिटीज है। और जब ओल्ड पार्टनर को गुडविल का अमाउंट भी मिल गया, वो उनकी कैपिटल में डाल दिया गया, तो जितनी कैपिटल थी वो तो पहले थी, गुडविल का और अमाउंट डालने से उनकी कैपिटल और बढ़ गई, और कैपिटल लायबिलिटीज है बढ़ने तो सीआर ही होगी। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो लोग? अब वो कह रहे हैं कि गुडविल का अमाउंट जो तो मिला था उसको विड्रॉल कर रहे हैं, तो अब बताओ उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? गलत से सही, जब वो गुडविल का अमाउंट वापस से निकालेंगे, कैश में निकालेंगे उसको, तो उनकी कैपिटल अप होगी डाउन होगी? फास्ट आंसर, उनकी कैपिटल अप होगी डाउन होगी जब वो गुडविल के अमाउंट को विड्रॉल कर लेंगे, डाउन होगी। और कैपिटल लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज डाउन होने पर डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? लायबिलिटीज डाउन होने पर डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं?
वेरी गुड, इसलिए इस एंट्री में होगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो क्या ये एंट्री हमेशा करनी है? तो नहीं, ये एंट्री हमेशा नहीं करनी है। ये एंट्री उसी केस में करनी है जब क्वेश्चन में क्लियरली कहा जाए कि ओल्ड पार्टनर क्लोजिंग के अमाउंट को विड्रॉल करेंगे, तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज कितनी ऑलवेज पास करनी एंट्री, ओनली टू रिसीव कर लो, ट्रांसफर कर लो। आई वांट टू आस्क समथिंग। ओके, देखिए गुडविल किस रेशियो में और किन में ट्रांसफर की जाती है? न्यू पार्टनर जो गुडविल कंट्रीब्यूट करता है वो किस रेशियो में और किन में ट्रांसफर की जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, न्यू पार्टनर जो गुडविल कंट्रीब्यूट करता है वो किन में और किस रेशियो में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। मैंने कहा था आपको तो आप लिख लेना इसको। आंसर क्या था? सेक्रीफाइस से, बिल्कुल करेक्ट है। ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में, कंप्लीट आंसर क्या देना है? ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में हमें न्यू पार्टनर की गुडविल को ऑलवेज ट्रांसफर करना होता है। अब बताइए क्या ये एंट्री तीनों समझ में आ गई? ये सभी पहले जल्दी से, क्या ऑल थ्री एंट्रीज इन केस जो कंडीशन थी क्या आपके समझ में आ गई है? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी कंडीशन हो गई? टू हो गई। अभी कितनी और बाकी है? टू और बाकी है। तो इधर आपको मुझे दिखाई देगा तो इधर दिखाऊंगा, ठीक है? इधर आपको दिखाई देगा, इधर लिख रहा हूं। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? नेक्स्ट सिचुएशन क्या थी? कंडीशन ए हो गई प्राइवेटली, कंडीशन बी हो गई एज ए कैश। सेकंड कंडीशन के बाद थर्ड कंडीशन क्या है? अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, नकद में नहीं लाने पर। अब देखिए हमने कहा भैया लाओ गुडविल दे दो, उसने कहा भैया मेरे पास तो इतना ही पैसा है, इतना ही अमाउंट है कि मैं गुडविल तो आप कैपिटल तो आप कैश में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, जितना था मैंने आपको दे दिया, पर मुझे पार्टनर भी बनना है, तो करना क्या है? तो बिफोर टू ईयर इसका कंसेप्ट अलग था, बिफोर थ्री ईयर इसका कंसेप्ट अलग था, अब इसका कंसेप्ट अलग है, क्योंकि अब तो कंसेप्ट है, अब तो रूल्स है, हमें इसको उसी के रिगार्डिंग पढ़ना है। बट पहले क्या था वो भी समझाऊंगा, अब क्या है मैं वो भी समझाऊंगा। पहले क्या था, पहले उसकी बात कर लेते हैं ताकि आपकी इजी समझ में आ जाए। पहले ये था कि कोई पार्टनर जब न्यू एडमिट हो रहा है और वो गुडविल नहीं ला रहा है तो हमें पता है कैपिटल तो एनी हाउ लानी ही पड़ेगी, कैपिटल हाँ मस्ट है, ठीक है? तो कैपिटल तो ला ही रहा है, लेकिन क्या नहीं ला रहा है? इनको गुडविल नहीं ला रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसी कैपिटल में से ही जितना अमाउंट गुडविल का होता है निकाल देंगे। ये पहले रूल था। क्या रूल था? जितना अमाउंट उसका हमें चाहिए वो गुडविल, वो अमाउंट हम किसमें से विड्रॉल करेंगे, किसमें से कट करेंगे, उसकी कैपिटल में से कम कर देते थे। तो उस केस में एंट्री क्या बनती थी वो देखिए। तो एंट्री बनती थी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर, क्योंकि उसकी कैपिटल में से निकालेंगे ना, तो न्यू पार्टनर पहले कैपिटल लेकर आया था तो फर्म में उसकी कैपिटल अप हो गई थी, अब वो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो उसकी कैपिटल से लोग विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैपिटल कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। टू, उसकी कैपिटल में से कम करके वो अमाउंट देना किसको है? जिन्होंने गुडविल बनाई है, यानी ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ये पहले एंट्री हुआ करती थी, एंट्री कब हुआ करती थी? पहले, ठीक है। पर जो पहले वाले कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, क्या ये समझ में आ गई? पहले कैसे होती थी कि पार्टनर की कैपिटल में से निकालो और पार्टनर की कैपिटल डालो, नए वाले की में से निकालो ओल्ड वाले की में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, अब क्या चेंज हुआ, अब हम करंट ईयर में जो पढ़ रहे हैं तो वहां क्या रूल्स अप्लाई हुए हैं वो देखते हैं। अब ये हुआ, रूल से दिया गया कि नहीं, हमें उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज नहीं करना है, उसकी कैपिटल को कम नहीं करना है, ये प्रेजेंट रूल है। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि टेंपरेरी अकाउंट ओपन करना है लोगों को, जिसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट। तो एडमिशन के चैप्टर में करंट अकाउंट ओपन कब करते हैं, जब न्यू पार्टनर कैपिटल कैश में नहीं लाता है, यानी टू ब्रिंगिंग कैश, उस केस में हम उसका एक टेंपरेरी अकाउंट ओपन कर देते हैं, जिसका नाम क्या है, करंट अकाउंट। किसका करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो ऐसे कंडीशन में हम उसका अकाउंट ओपन कर देंगे कि इसमें से हमें निकालना है पैसा, इसमें से न्यू पार्टनर से करंट में से निकालना है, करंट अकाउंट में से निकालना है। लेकिन देना तो किसको है, ओल्ड पार्टनर को देना है, उनका तो कैपिटल में जाएगा, एक न्यू पार्टनर का क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। अब फ्यूचर में जब भी कभी वो पैसा देगा कौन, न्यू पार्टनर, तो ये करंट अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कि हाँ अब उसको क्लोज कर दो क्योंकि उसने पैसा दे दिया है। तो याद रखना, किसी ने पूछा हुआ एग्जाम में कि गुडविल के केस में करंट अकाउंट कब ओपन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, गूगल के केस में करंट अकाउंट कब ओपन होता है, आंसर क्या होगा, जब कोई न्यू पार्टनर गूगल का अमाउंट कैश में नहीं लाता है तो ऐसा होता है। क्या अब बताइए, आपके समझ में आ गई एंट्री, अब बताइए क्या आपकी एंट्री समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए क्या एंट्री आपकी समझ में आ गई है, जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो हमेशा करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई, अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, ठीक है। और थर्ड में एक ही एंट्री होगी, कितनी होगी, ओनली सिंगल होगी, करंट अकाउंट का उसका और क्या एंट्री होगी। अब हम जाएंगे फोर्थ सिचुएशन में, और फोर्थ सिचुएशन क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज के वे में हम लोग उससे गुडविल ले रहे हैं। हमने कहा लाओ गुडविल दो, उसने कहा ये लो मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज, जो भी आप कहो, मैं बिजनेसमैन हूं पहले से, मैं पहले से बिजनेसमैन हूं, पर मेरे पास कुछ एसेट्स भी है, कुछ लायबिलिटीज भी है, आपको गुडविल चाहिए, ये लो एसेट्स भी लो लायबिलिटीज भी, और आपका गुडविल का अमाउंट ले लो। तो उस केस में क्या एंट्री बनेगी, देखो गुडविल के लिए एसेट्स भी दे रहा है और लायबिलिटीज भी दे रहा है। तो देखिए सबसे पहले एंट्री क्या होगी, फॉर रिसीव ही होगी, वो क्या दे रहा है, एक एसेट दे रहा है, तो बिजनेस के पास तो एसेट आ रही है ना, क्योंकि वो पहले किसकी थी, न्यू पार्टनर की पर्सनल थी, बिजनेस की नहीं थी, लेकिन अब वो गुडविल के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस को दे रहा है, इसका मतलब अब एसेट्स अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी और साथ में लायबिलिटीज भी दे रहा है ना, अब वो क्या दे रहे हैं, साथ में लायबिलिटीज भी दे रहे हैं। तो लायबिलिटीज भी किसकी थी, पहले वो लायबिलिटीज न्यू पार्टनर की थी, उस व्यक्ति की थी, लेकिन उसने लायबिलिटीज भी किसको दी, हमें दी, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, हमारी लायबिलिटीज भी अप हो गई है। अब देखो इनका जो डिफरेंस होता है वही किस नाम से आएगा, वही आएगा गुडविल के नाम से, किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से आएगा, ठीक है, आई बात समझ में, इनका डिफरेंस किस नाम से आएगा, गुडविल नाम से आएगा, इज इट क्लियर, इसका डिफरेंस ही ऑलवेज किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से आएगा। और सपोज चलो आगे टॉपिक के साथ इंग्लिश को, ये बात समझ में आ गई आपके, ये डिफरेंस किस नाम से है, गुडविल नाम से, तो ये वाले एंट्री बन गई आपके पास से, कैश नाउ डेबिट गुडविल सेम ही तो है, सेम कैसे हुई, आप कहोगे सेम कहां है, यहां तो कैश है और यहां पर आपने एसेट्स लिखा है, तो भाई
कैश भी तो एसेट्स है, कैश भी तो एसेट्स है, इसलिए मैंने कैश लिखा। पर इसमें केवल कैश ला रहा है, केवल एसेट्स ला रहा है, लायबिलिटीज नहीं ला रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लायबिलिटीज नहीं लिखा। पर यहाँ क्या कर रहा है वो, एसेट्स ला रहा है, कैश तो इसमें है ही ना, कम ला रहा होगा, लायबिलिटीज भी ला रहा है, किसके लिए, गुडविल के लिए। तो फर्स्ट एंट्री आपकी समझ में आ गई, सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री सेम ही होगी, ट्रांसफर के लिए ही होगी और विड्रॉल के लिए ही होगी, ठीक है, ट्रांसफर की भी वही होगी और विड्रॉल की भी वही होगी, केवल यहाँ चेंज हो गया। जब एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए भी वो गुडविल आता है तो केवल तो हम फोर केस ब्रिंगिंग इन कैश की बात करें, वही एंट्री हो रही है, बस अब इस बार कैश का नाम ना लिखते, किसका नाम लिखते, एसेट्स का और लायबिलिटीज भी आ जाएगी। गुडविल पहले भी क्रेडिट थी, अब भी क्रेडिट है, यानी गुडविल आ चुकी है, तो जब गुडविल मिल जाएगी तो उसको ट्रांसफर कर देंगे और विड्रॉल की इंफॉर्मेशन होगी तो हम उसको विड्रॉल कर देंगे। इस तरह से लास्ट कंडीशन आई फोर कंडीशन और कंडीशन टू सिमिलर है, थोड़ा सा उसमें चेंज है, कितना चेंज है, थोड़ा सा उसमें चेंज है। इज दिस क्लियर, क्या आपके समझ में आ गई बात। इस तरह से आज हमने गुडविल की सारी अकाउंटिंग पढ़ ली है, कब, जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, तब ये एंट्री करनी है। इनमें से कोई भी 1, 2, 3 एक साथ भी आ सकते हैं और सेपरेट सेपरेट भी आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है, आई मीन ओपन है, तब किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अभी तो नॉट ओपन था, नॉट एग्जिस्ट था, एग्जिस्ट हो, आई मीन बैलेंस शीट में गिवन हो, तब क्या करोगे। सिंपल है, सारी एंट्रीज यही होगी, जितने भी एंट्रीज करनी है सेम यही होगी, केवल एक एक्स्ट्रा एंट्री इन एवरी हेडिंग आपको ऐड करनी है, ओनली एक एक्स्ट्रा एंट्री आपको ऐड करनी है, ठीक है। क्यों ऐड करनी है, क्योंकि जब भी पहले से गूगल अकाउंट एग्जिस्ट होता है तो फर्स्ट भी हम उसको राइट ऑफ करते हैं, उसको क्लोज करते हैं। अकाउंटिंग रूल क्या है, जब भी पहले से गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है, आई मीन ओपन है, तो पहले उसको क्लोज करो, क्लोज करने के बाद जितना भी अपना वर्क है वो सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो क्लोज करने की एंट्री आपको एक्स्ट्रा देनी है इन एवरी कंट्री। जैसे कि प्राइवेटली की एंट्री नहीं होती है, पर प्राइवेटली से पहले आप चेक करोगे कि गुडविल अकाउंट ओपन है, उसको क्लोज करो, तो क्लोज करने की एंट्री क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। गुडविल अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। गुडविल अकाउंट ओपन है, ख्याति खाता खुला हुआ है, तो उसको क्लोज करने की एंट्री ऑलवेज यही होगी, ठीक है। न्यू पार्टनर गुडविल आता था तो सेक्रीफाइस में करते थे ना, बट गुडविल को जो हम क्लोज करेंगे तो पहले से एग्जिस्ट है, उसको ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही हम लोग राइट ऑफ करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। अब ये एंट्री हर कंडीशन में फैल जाएगी, इसमें कोई एंट्री थी तो केवल क्लोज करनी होगी, होगी। फोर केस में तीन एंट्री थी ना, रिसीव की, ट्रांसफर की, विड्रॉल की, इनसे पहले क्लोज करने की होगी। इसमें भी पहले कौन सी एंट्री क्लोज करने की होगी, या सेकंड नंबर पे आएगी, और यहाँ पर भी फर्स्ट एंट्री क्लोज करने की होगी। बाकी हम डिस्कस कल करेंगे, इनको आप एक बार वापस समझना, उसके बाद हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। थैंक यू सो मच।